नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार के 9 साल देश बेहाल कार्यक्रम के तहत बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी की ओर के द्वारा आदर्श ग्राम सिमरिया में पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्थल बेगूसराय से शुरू हुई, जहां शहीद स्मारक पर लोगों ने फूलमाला चढ़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद यह काफिला राष्ट्रकवि रामधारी सिंह सिमरिया पहुंचा, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की पोल खोलने का काम किया। इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह उर्फ साजन सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने शहीद स्थल पर माल्यार्पण के बाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती पर जा रहे हैं, जहां मोदी सरकार के द्वारा 2014 में पूरे देश में पंचायतों को गोद लेने का काम किया गया था। इस दौरान उस पंचायत को आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया गया था। आज उस गांव पर जाकर हम लोग यह देखेंगे कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव को किस तरह से धोखा दिया गया है, जिसके बाद यह काफिला दिनकर गांव सिमरिया पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुई। देखते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार बिल्कुल झूठ और फरेब पे टिकी हुई है। आम जन को, चाहे युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग दिनकर की इस पावन धरा पे हम लोग आए हैं। आप जानते होंगे सभी हमारे देशवासी, जिस समय नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रत्येक अपने अपने संसद को जिम्मा सौंपा था कि आप लोग एक एक पंचायत को गोद ले, एक एक गांव को गोद ले। परंतु जिस प्रकार से आज हमारी देश की माताएं बहनें देखे होइएगा कि जंतर मंतर पर बैठ करके अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने पे बेबस है, ठीक उसी प्रकार ये जो गंगा के किनारे ये गांव है उसे भी ठगा गया और पूरे देश में इस तरह का उन्होंने ठग का वातावरण बनाया है। हम कांग्रेस परिवार इस ठग के खिलाफ आज से जो पोल खोल अभियान के तरफ बेगूसराय से ये जो शुरुआत किए हैं, हम लोग इस अभियान को निरंतर चलाते रहेंगे और उनकी जो झूठ की ताकत है और जो झूठ के ताने बाने के साथ वो सरकार चला रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे हम लोग बेगूसराय सहित पूरे बिहार में महागठबंधन का परचम लहराएंगे और देश के गद्दी पे से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती को नमन करने के लिए आए हैं और यहाँ के अभिभावक गण से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और उनका सहयोग लेने के लिए आए हैं और उनको ये बताने के लिए आए हैं कि देश में 14 में देश के प्रधानमंत्री ने पूरे सांसद को एक एक पंचायत गोद लेने के लिए कहे थे और उसी कड़ी में सिमरिया गांव को गोद लिया गया था। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है 9 साल बेमिसाल, मैं वही कड़ी में यहाँ पहुँचा हूँ कि एक गांव, एक पंचायत को गोद लिया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और उस गांव को आदर्श गांव नहीं बनाया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जितने भी लीडर आते हैं राष्ट्र कवि के नाम पर, हम कहते हैं हम दिनकर जी की धरती पर हम स्वागत करते हैं, राष्ट्र कवि दिनकर जी के स्वागत करते हैं और उस गाँव को उपेक्षित किया जा रहा है। 3 साल पहले भी यहाँ एक सांसद आए, जिस ढंग से राज्यसभा सांसद दिनकर जी को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था, उसी तरह यहाँ भी एक सांसद है जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा है, वो भी 3 साल पहले आए कि पुस्तकालय में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि मैं अगले बार भी जिलाध्यक्ष था तो श्री बाबू को मूर्ति को लगाने के लिए प्रशासन और बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार लगाने के लिए नहीं दे रहा था, तो मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के बदौलत श्री बाबू को मूर्ति लगाया और दो दो तीन तीन मुख्यमंत्री वहां पर माल्यार्पण किए और स्वर्गीय रामदेव बाबू ने का इच्छा था श्री बाबू के बाद सार्जन जी आपको सिमरिया गांव में हमको चलकर सिमरिया को एक आदर्श गांव के रूप में हम लोग बेगूसराय के लोग देखना चाहते हैं। सिमरिया कोई मामूली गाँव नहीं है, यहाँ लोगों को इसी गाँव के में सिमरिया गाँव को मोदी जी ने पहली बार जिस दिन प्रधानमंत्री बने 8 दिन के अंदर एक एक पंचायत को सांसद को लिया गया था गोद लेने के लिए। ये मोदी जी ने ये गोदी का क्या परिभाषा है हमको समझ में नहीं आया और इस गांव को आज तक आदर्श गांव नहीं हुआ।
एक भी काम नहीं हुआ। वही तो इसीलिए तो हम बैठे हैं धरना पर, और यहाँ के लोगों को जगाने के लिए भी आए हैं, इन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि बेगूसराय जिला में जिस ढंग से आपके साथ ये एक गांव का नहीं काम हुआ तो पूरे बेगूसराय जिला उपेक्षित है।